इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल प्रशासन को सहयोग के लिए धन्यवाद। वहीं विधायक सुभाष गोटे मित्र मंडल के सहयोग से जीवती कोरपना तालुका में निःशुल्क दान एवं उपचार शिविर आयोजित किया गया। गरीबी रेखा के नीचे के गरीबों, जरूरतमंद ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के कुल 231 रोगियों ने भाग लिया, जिनमें से 1000 रोगियों का मोतियाबिंद, हाइड्रोलिसिल, हर्निया, कान, नाक, गला, वेरिकास, नर्स और अन्य सर्जरी के लिए पूरी तरह से मुफ्त इलाज किया जा रहा है। साथ ही आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल में विभिन्न बीमारियों, लोकप्रिय विधायक सुभाष गोटे ने आज आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल सावंगी मेघे का दौरा किया और जीवती के कोरपना में महा आरोग्य शिविर में इलाज करा रहे मरीजों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। यहाँ इलाज करा रहे मरीजों ने भी यहाँ उपलब्ध सुविधाओं और देखभाल पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही शिविर के माध्यम से कई मरीजों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए आचार्य विनोबा भावे ने सावंगी मेघे ग्रामीण अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने भविष्य में इस तरह के सहयोग की उम्मीद जताई। इस अवसर पर आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल के विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सावंगी मेघे, अबुदय मेघे PR सीमांगे सहित कई चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर और मरीज उपस्थित रहे। आचार्य विनोबा भावे हॉस्पिटल सावंगी मेघे आणि सुभाष धोटे मित्र मंडळ राजुरा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जो कोरपना आणि ज्योती येथे आरोग्य शिबिर आम्ही आयोजित केलं होतं, त्या दोन्ही आरोग्य शिबिरामध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला। कोरपण्यामध्ये जवळपास 2123 पेशंट तपासले गेले, ज्योतीमध्ये जवळपास 2400 पेशंट तपासले गेले आणि या सावंगी मेघेमध्ये कोरपण्याचे 625 आणि ज्योती जवळपास 850 असे पेशंट इथं रेफर करण्यात आले। जवळपास कोरपण्यामधून 300 आणि ज्योतीमधून 250 ते 300 पेशंट आज सावंगी मेघेला ट्रीटमेंट करत आहे। काही पेशंटचा उपचार होऊन ते घरी परत गेले, काही पेशंट अजूनही इथं सावंगी मेघेमध्ये उपचार घेत आहे। आज मी त्यांची इथं भेट घेण्यासाठी आलो असता कमीत कमी 20-25 पेशंटची भेट घेतली। माझ्यासोबत इथले PRO डॉक्टर शिंगणे साहेब, त्यानंतर हॉस्पिटलचे मुख्य जे काही ज्यांच्या खांद्यावर जे हॉस्पिटल धुरा आहे असे आमचे मेघे साहेब, त्या सगळ्याशी चर्चा केली आणि पेशंटच्या काही ज्या छोट्या मोठ्या अडचणी होत्या त्या पण दूर करण्याचा प्रयत्न केला। आणि आणखी दोन कॅम्प, एक गोंडपिपरीला आणि राजुरीला घेण्याचा आमचा मानस आहे। आणि त्याशिवाय त्याच्यानंतर जो काही प्रामुख्याने जसं काही आपला डायबिटीस आहे किंवा हृदयरोग आहे त्यासाठी स्पेशालिस्ट असं कॅम्पसुद्धा आम्ही घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। परंतु मी आज खरं पाहिलं तर या आचार्य विनोबा भावे रुग्णालयाचे निर्माते सन्माननीय दत्ताभाऊ मेघे, त्यांचे दोन्हीही चिरंजीव म्हणजे सागरभाऊ आणि समीरभाऊ आणि हे काम बघणारे अभिजितजी आणि दुसरे मेघे, त्या सगळ्याचं मी आभार मानतो, इथल्या स्टाफचा आभार मानतो आणि आमचे विधानसभा मतदारसंघाचे जे काही पेशंट चांगले होईल त्यांना ईश्वर चांगल्या प्रकारे त्यांची ट्रीटमेंट होऊन ते लवकर घरी जातील अशी ईश्वर त्यांनी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।